क्या हालत हो रखी है, स्कैम हो गया स्कैम। ओह भाई एक्सीडेंट हुआ। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो भाई सीन ऐसा है कि सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10:45 और आज हम निकलने वाले हैं सीधा मनाली से सीधे चंडीगढ़, जो कि है ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स की जर्नी। लगने वाले हैं 8 से 9 घंटे। लगेज मेरा थोड़ा बहुत यहीं पे है, अभी बैग्स यहीं पे हैं। एंड एंजॉय करो, सीधा अभी मिलता हूँ बाइक पे। सो लाइक करो, ठीक है, कमेंट करना कैसा लग रहा है व्लॉग, एंड शेयर कर लेना, सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर करना है। चलो फुल एनर्जी के साथ निकलते हैं मनाली से, बाय बाय करते हैं मनाली को, और घर पहुंचने की अब जल्दी है, बहुत दिन हो गए, डे 11 है आज। मिलते हैं सीधा बाइक पे, पीस आउट। मनाली को बोला जाएगा बाय बाय अब, अभी सीधा चलेंगे पेट्रोल पंप, वहाँ कराएंगे पेट्रोल फुल एंड फट फट करके निकल जाएंगे सीधा चंडीगढ़। आगे तो आई गेस जो हम मनाली से एग्जिट करेंगे आगे धीरे धीरे, तो रोड्स का और पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी यहाँ की। भाई पेट्रोल हो गया है फुल, और यहाँ देखो ये राइट वाली लेन है, लेफ्ट वाली लेन ख़त्म है, लेफ्ट में लेन है ही नहीं, डाइवर्जन किया हुआ था पहले ही। तो आगे जाके देखते हैं कैसी कंडीशन मिलने वाली है रोड की, ट्रैफिक तो मिलेगा नो डाउट। स्पीति वैली की ट्रिप कितना ऑफ रोड करवाओगे, मनाली में भी ऑफ रोड करवा रही है ये ट्रिप। देखो भाई लेफ्ट में तो रोड ही नहीं है, यहाँ भी तो बस पत्थर ही पड़े हैं, क्या हालत हो रखी है। मेरे को लग रहा है आगे जाके और भी हालत ख़राब मिलने वाली है, और ये ट्रक और गाड़ियाँ इतनी धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, आगे का दिख भी नहीं रहा है ठीक से। एक तो ऑफ रोड में क्या होता है ना, शोल्डर पे बहुत वो आता है एग्जर्शन, ख़ास करके तब जब आप थोड़ा डिक्लाइन एंगल पे हो, क्योंकि पूरी बॉडी वेट जो है ना वो हैंडल पे आ जाती है, और राइडिंग जैकेट भी है इतनी अच्छी खासी हैवी है, लैपटॉप बैग भी मैंने शोल्डर पे ही टांगा हुआ है, तो भाई दिक्कत तो आती है ऐसे। फिर भाई साहब यहाँ देखो कितनी धूल उड़ा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये तो कुछ भी ऑफ रोड नहीं है भाई। काजा मनाली या मनाली काजा करके देखो एक बार, तब समझ में आएगा ऑफ रोड किसे कहते हैं। राइडर्स राइडर्स, 3 सोलो राइडर्स प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स लेह और स्पीति वैली। वाह भाई वाह, सुकून से 10 मिनट चले होंगे रोड पे, आ गए ऑफ रोड। तो भाई ये था मनाली मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट बोल लो या लंच बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, और निकल रहे हैं अब। तो यहाँ से मंडी रह गया है 95, ज़्यादा लेट ना करते हुए भगाओ भाई, फटाफट चलाओ, ज़्यादा लेट करेंगे तो लेट पहुँचेंगे, फिर अगर लेट पहुँचेंगे तो फिर परसों भी लेट उठेंगे, और फिर घर भी लेट पहुँचेंगे। यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्या भाई स्पीति वैली में जा रहे हैं क्या वापस, इतनी तेज़ हवा चल रही है क्या बताऊँ, इसीलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही है, मुझे पता है डिस्टॉर्शन आ रहा होगा माइक में। ओ भाई यहाँ तो हवा देखो, हवा देखो भाई कितनी तेज़ चल रही है, और आ गया ऑफ रोड पैच तगड़ा वाला,
पीछे ट्रैफिक रोका हुआ था लेकिन बोला टू व्हीलर्स जा सकते हैं। तो भाई आगे मेरे को दिख रही है एक टनल, पीछे भी एक टनल निकली थी बट उस टाइम हो गया हमारा गोप्रो हैंग, ऑन ही नहीं हुआ, लेकिन अभी तो ऑन है और हो चुके हैं हम एंटर टनल में। क्या बात है, चलो चलो, ठंडी ठंडी हो रही है यार यहाँ तो। ओह भाई गजब। ओके तो टनल एंड हो रही है, यस इट इज द एग्जिट पॉइंट और हम कर चुके हैं एग्जिट यहाँ से और अब हम कर चुके हैं एक और टनल में एंटर। क्या बात है, इसको भाई पूरा ही टनल मार देते, क्या ही दिक्कत थी। अच्छा पहले ये टनल कुछ ये पिछले 2-3 साल में ही बनी है क्योंकि जब मैं पहले आया था तब टनल्स बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी लंबा भी पड़ता था और काफ़ी ऑफ रोड था, ख़राब रोड्स थी, लेकिन अब तो इन्होंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया ये। भाई 90 पे क्रूज कर रहे हैं, 90 पे। ओके टनल हो चुकी है एग्जिट ये वाली भी और आगे एक और टनल दिख रही है मेरे को। स्कैम हो गया, स्कैम। उस टनल से निकलने के बाद मैंने बोला था ना एक और टनल दिख रही है, उसमें अपनी एंट्री नहीं हुई, वो भी बन रही है। यहाँ से चंडीगढ़ है 200, सीधा राइट ले लेंगे तो पठानकोट एंड आई गेस ये मंडी है ये जगह। हाँ जी तो मंडी पार कर लिया है एंड अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहाड़ों से बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, बाकी तो भाई मज़ा आ रहा है राइड करने में और क्या है। चलते रहो, मौज लेते रहो। यहाँ से चंडीगढ़ रह गया है 140, बाकी एंजॉय करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करो एंड डू सब्सक्राइब। ओके वंस मोर टनल आ चुकी है गाइस, हम टनल में एंटर करेंगे। टनल नंबर 4 लिखा है, 1.2 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, ऊपर लिखा हुआ था, छोटा सा लिखा था। टनल का मज़ा तो है, जैसे बचपन में निकलती थी ना ट्रेन टनल से, जैसी खुशी तब होती थी वो ही वाली खुशी होती है अभी भी टनल से निकलते टाइम। बस फर्क ये है अभी कि हम लोग आ चुके हैं टू व्हीलर बाइक पे अपनी एंड लगेज लोडेड है, बाकी मज़ा वही वाला है, बिल्कुल बचपन वाली फीलिंग। ओके एग्जिट हो चुके हैं टनल नंबर 4 से, ग्रेट। तो अभी चंडीगढ़ है यहाँ से 100 किलोमीटर्स एंड वी आर क्रूजिंग एट 80, तो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। और रोड भाई क्या ही रोड है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतने हिली एरियाज में चल रहे हैं भाई, प्रॉपर 4 लेन बनाई हुई है प्रॉपर। क्या बात है, टनल नंबर 3, अच्छा उल्टी गिनती चल रही है, तो ये है भाई टनल नंबर 3। अच्छा जी तो आ गई है लास्ट टनल, इसका नाम है टनल नंबर 1 और ये डबल टनल है, उस साइड की बन रही है, इस साइड की बनी हुई है तो इसी साइड की अभी शुरू हुई है। और राइट एग्जिट आ चुका है अपनी लास्ट टनल का। हाय साहब क्या ही आवाज़ आ रही है,
कोई खतरनाक सी आवाज़ आ रही है बहुत, पता नहीं माइक में क्या कैसी आवाज़ आ रही होगी। चलो जी हो गया टनल का काम खत्म। रेड लाइट है ब्रो, हाईवे पे रेड लाइट है, ऐसा भी होता है क्या? प्रॉपर हाईवे है, रनिंग हाईवे, यहाँ पे रेड लाइट है। हो गए भाई ग्रीन, भगाओ। तो कांड हो गया गाइस, चंडीगढ़ आउटर पे चल रहे हैं अभी एंड यस एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी टो होने वाली है और कुछ झगड़ा भी चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सो वी आर हेडेड टूवर्ड्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ के, क्योंकि हमें पता चला है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं, तो वहाँ पहुँचने में लगेगा 5-10 मिनट लगेंगे अभी, फिर देखते हैं वहाँ होटल्स का क्या सीन है। ऑलमोस्ट सेक्टर 42 आए गए हैं, अब होटल देखते हैं आसपास। चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़, पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ में, रूम ले लिया सेक्टर 42 में एंड ऐसा कुछ रूम है, ठीक है रूम, रात ही काटनी है बस, अब डिनर करके फटाफट से सोने की तैयारी है एंड वील बी लीविंग टुमारो अर्ली मॉर्निंग फॉर बरेली, जो कि होने वाला है ऑलमोस्ट 460 किलोमीटर्स एंड आज की राइड बहुत बढ़िया रही, मनाली से चंडीगढ़ मज़ा आया। चलो फिर लाइक करो कैसा लगा बताना कमेंट करके एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, पीस आउट।